कराची से लापता दुआ जाहरा का तो कुछ पता ना चला, अलबत्ता लड़की का मुबैना निकाह नामा मंजरेआम पर आ गया है। दुआ जाहरा के लाहौर के रिहायशी नौजवान से निकाह का इंकशाफ हुआ है। वालदैन ने दुआ के निकाह की बात को झूठ करार दे दिया। दुआ जाहरा के निकाह नामे पर दर्ज लाहौर का पता गलत निकला। पुलिस निकाह नामे पर दर्ज पते पर रावण पहुंची तो वहाँ डिस्पेंसरी मिली। मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखें। 16 अप्रैल को कराची से लापता होने वाली दुआ जाहरा का मामला हर गुजरते दिन के साथ सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है। दुआ जाहरा का मुबैना निकाह नामा सामने आ गया, जिसके मुताबिक दुआ ने लाहौर में पसंद की शादी की। जराए का कहना है कि मुबैना निकाह नामे की कॉपी कराची पुलिस को मौसूल हुई, जिसे लाहौर पुलिस को फराहम किया गया। पुलिस के मुताबिक दुआ ने लाहौर के इलाके शेरशाह कॉलोनी के रिहायशी जहीर अहमद से शादी की। वजीर आला सिंध ने लड़की के लाहौर से मिल जाने की तस्दीक की। उधर लड़की के वालिद का कहना है कि बच्चे के निकाह की बात दुरुस्त नहीं, अगर बेटी मेरी बात सुन रही है तो घर आ जाए। कानामा टीवी पे चल रहा है, उसमें बच्ची की उम्र 18 साल चल रही है। मेरी शादी हुई थी 2005 में मई में, जो बेफाम है बच्ची का वो ये है, आप सब देख सकते हैं। उसमें ये डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है 27 अप्रैल 2008 उसकी डेट ऑफ बर्थ। अभी उसने 14 साल की भी ये पूरी नहीं है, 3-4 दिन के बाद उसने 14 साल का होना है। उधर जराए का कहना है कि निकाह नामे पर दर्ज एड्रेस पर लड़के की रिहाइश के शवाहिद नहीं मिले। दुआ जाहरा के निकाह पर दर्ज पता गलत निकला। मुतल्लिका पते पर एक साल से डिस्पेंसरी चलाई जा रही है, पुलिस को यहां से कुछ नहीं हासिल हुआ। वजीर आला ने दुआ के मिलने की तस्दीक की है। सैयद मुराद अली शाह ने कहा है तो फिर ऐसे ही तो नहीं कहा होगा।